Hyderabad has always seemed to be India's most integrated city. Hindus and Muslims living in almost all parts of the city have lived in harmony with each other for the last many years. People are used to celebrate each other's festival and feasts on each other's food. Treading on the same path, Yousufain Shrine in Nampally, Hyderabad attracts a large number of Hindus and Muslim devotees. The place has become a synonym of peace and brotherhood, and people of different religious beliefs have made it an epitome of communal harmony. यहाँ पे जो सो सरकारे सुफ़ेन के पास जितने भी ज़ाहिरीन आते हिंदू मज़हब के मुस्लिम मज़हब के सिख ईसाई हर कोई आते अपने मज़हब के लोग यहाँ पे सबकी मन्नतें मुरादें पूरी होती हुई है ये अब से नहीं 450 साल का ज़माने का आस्थाना है ये यहाँ पे हर किस्म के लोग आते हैं हर कोई अपनी अपनी मुरादें लेके जाते हैं. The Yousufain Shrine is much revered among Hindu devotees of Lord Ayappa. The devotees make sure they visit the shrine before going to an annual Shabri temple in Kerala. This simple gesture of faith sends the message of communal harmony, strong and large, that we all are one. Ermelli mein dargah mein Vavad Swami ka dargah bolte hain usko, woh dargah mein padampushi karkar wahan se पैदल चलना शुरू करते हैं. ऐसा है जनवरी 1 से लेकर 14 तक पैदा पादम बोलते हैं. अभी जो है मंडल पूजा में चिन्ह पादम बोलते हैं. जो भी है एरमेली में दर्शन करके दरगाह के दर्शन करकर वो वहाँ से पैदल यात्रा चलते हैं. तो बाबर स्वामी का बहुत पावरफुल है क्योंकि बाबर स्वामी जो है अय्यप्पा के मित्र है बन गए क्योंकि एक जमाने में लूट रहते हैं जब पूरा स्वामियों पे एक ध्यान लगा कि अय्यप्पा भी बहुत प्रसन्न होकर उसके बाद यहाँ का अपने नामपली दरगाह इसमें दरगाह का भी इतना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे भक्तों का ये भगवान ये दरगाह यूसुफ़ान शरीफ साहब बहुत यहाँ के हिंदू और मुसलमान सभी धर्मों पे यहाँ पे आकर इनके कदम पेशी कर यहाँ पे न्याज वर कर यहाँ का भी बहुत इनो पावरफुल है क्योंकि किसी का कुछ अच्छा बुरा होगा तो भी अच्छा में बुरे में यहाँ पे आके कदम पेशी करे बाद वो बुराई का अच्छा हो जाता. ये दरगाह को बहुत मानने वाले है. यीशु बाबा दरगाह को हर जुमेरात के दिन हर थर्सडे के दिन यहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू मुस्लिम्स और सभी प्रांत के लोग यहाँ पर आते बाबा के दर्शन करते. बाबा के मानने वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा है हैदराबाद और तेलंगाना में. जब कभी भी यहाँ पर कौन सी भी मुराद लेकर आते हैं यहाँ पर आने के बाद बराबर पूरी होती है इस बाबा के दरगाह में. और हर साल यहाँ पर जो भी हिंदू स्वामी आते हैं तो सब जने यहाँ पर न्यास करते. न्यास करके सिर्फ अपने प्रांत के लोगों को नहीं अपने ही कम्युनिटी के लोगों को नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी फकीर रहते हैं इन सबकी भी सेवा करते हैं. जी हाँ लोग कई तरह के होते हैं और हर कोई अपने अपने हिसाब से जीता है लेकिन यहाँ पर दरगाह में आने के बाद हर कोई एक बनकर बाबा के दर्शन करते हैं और हमेशा इसी तरह से एकता बनी हुई रहना चाहिए ये मानते हुए यहाँ पर दरगाह पर आते हैं. और इस बाबा से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा हैदराबाद पीसफुल रहे और इसी तरह से ये गंगा जमनी तहजीब चलते रहे. India is a beautiful land, home to diverse communities, different cultures, varied religions, and it's not only the Hyderabad city, but such beautiful examples of peace and brotherhood can be found in every nook and corner of the country.